कोविड-19 का कहर पूरे दुनिया में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इसको क्योर करने का अभी तक तरीका सामने नहीं आया है, पर जैसा कहा जाता है कि बीमारी होने के बाद उसको क्योर करने से बहुत अच्छा है कि बीमारी को होने ही न दिया जाए, उसके लिए प्रिवेंशन किया जाए। और कोविड-19 या कोरोना वायरस को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये लोगों की मदद कर रहा है अपने हाथों को साफ रखने में। पर दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर का अचानक से इतना खपत होना बहुत सारे शहरों में इसको स्टॉक आउट करने का कारण बन चुका है। पर बोकारो के डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस चुनौती को बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया और उन्होंने एक अल्कोहल फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया हैंड सैनिटाइजर फैक्ट्री में चंद दिनों के अंदर। आइए इस वीडियो में इसी के बारे में आप सभी को जानकारी दूं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुफ्त उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। जनता कर्फ्यू के बाद दोस्तों, जब बोकारो एक जिला है झारखंड में और फेमस है बोकारो स्टील प्लांट के लिए, यहां पर जनता कर्फ्यू के बाद ही हैंड सैनिटाइजर्स खत्म हो गए। इसकी काफ़ी डिमांड थी लोगों के बीच, पर यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी की चांस नहीं थी क्योंकि ये काफ़ी दूर दराज में है शहर और जो मेजर सिटी है वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर बनते हैं और यहाँ से आने में टाइम लग सकता था। इसलिए डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार ने तय किया कि वो एक बंद हुए अल्कोहल फैक्ट्री को कन्वर्ट कर देंगे सैनिटाइजर फैक्ट्री में। इसके लिए उन्होंने सहायता ली एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ लोगों का, साथ में सोशल एक्टिविस्ट का, साथ में केमिकल इंजीनियर्स का, प्रशासन के अधिकारियों का और वहाँ के लोकल लोगों का भी। और फिर इन्होंने हैंड सैनिटाइजर बनाया और वो भी सैनिटाइजर्स के कीमत के पांचवें हिस्से में। इन्होंने 200 रुपए में 1 लीटर सैनिटाइजर तैयार किया और जनता को में बांट रहे हैं। 200 रुपए में तैयारी हो रही है उसकी, लेकिन 220 में दे रहे हैं क्योंकि 10 रुपए चाहते हैं वेलफेयर में जाए और 10 रुपए ये एक एक्ट के तहत काट रहे हैं। फिर भी दोस्तों, ये बहुत ही कम कीमत है बजाय कि मार्केट में जो महंगे सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं और उसकी कीमत जो एक्स्ट्रा बढ़ा के दुकानदार बेच भी रहे हैं। इन सैनिटाइजर्स को कई ब्लॉक में, कई गाँव में पहुंचाया गया, फ्री में भी बांटा गया और दोस्तों इससे लोगों का भला हो रहा है। हाँ, वो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डेवलप्ड सिटीज में रह रहे हैं, फिर भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, वो लोग जो खुद पे भरोसा रखते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ऐसे लोग मुझको पसंद है। इसी बात के लिए इन आईएएस साहब को मेरा सलाम है। आप भी कमेंट में इनके लिए अपनी विचार लिखिए और अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।